नमस्कार दोस्तों, हेलो सलाम सत श्री अकाल, स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है भारत एक मौज। मेरा नाम है संजय राजौरा और लेके आ गया हूँ एक और एपिसोड आपके सामने। मौसम चल रहा है मास्क का, सरकार तो हमेशा ही मास्क पहने रहती थी, हमें लगता था कि हमारे भले के लिए है, लेकिन ये तो वो मास्क होता है उनका, हमारे भले के लिए नहीं, वो खाली अपने भले के लिए। ये पहली बार है कि जनता को मास्क पहनना पड़ रहा है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस मास्क को आप ईमानदारी से पहनिए, जैसे कि सरकार उस मास्क को ईमानदारी से पहनती है कि वो आपके भले के लिए है, जबकि वो आपके भले के लिए नहीं है। कोविड से तो हो सकता है दोस्तों साइंस बचा ले हमें, आने वाले कुछ महीनों के अंदर कुछ वैक्सीन डेवलप हो जाए या कुछ तो ऐसा साइंस की कोई करामात हो जाए जिससे हम इस समस्या से बाहर निकल जाएं। लेकिन इससे बड़ी समस्या यह है कि सरकार से कौन बचाएगा। शायद हमें कोविड से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भाई तू हमें इस सरकार से बचा ले किसी तरीके से, क्योंकि सरकार ने फिर से वही किया जो हमेशा करते आ रहे हैं, भाषणबाजी भाषणबाजी भाषणबाजी। 20 लाख करोड़ रुपये का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में प्रधानमंत्री जी ने आके भाषण दिया वहां पे, मतलब भगवान की तरह के बोलते हैं सब सब सुखी रहेंगे, लेकिन उसके एल्गोरिथम क्या है कोई नहीं जानता है। सब सुखी रहेंगे ये कोई और बताएगा आके, उनके मिनिस्टर आके बताते हैं क्या क्या प्रोग्राम है कैसे कैसे सुखी रहेंगे। मोदी जी ने आके सिर्फ ग्रैंड बातें करनी है। भाई मैंने तो उनका भाषण नहीं सुना क्योंकि मुझे तो कोई खास उम्मीद थी नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उनका भाषण सुना था वो मुझसे भी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको खुद को समझ में नहीं आया था इन्होंने बोला क्या है इसके अंदर। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर आत्मनिर्भरता में जब आत्मनिर्भर बनती है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बन सकता, आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की आत्मनिर्भर भारत अभियान को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए कुछ बोला है उन्होंने कि लोकल पे वोकल हो जाओ। तो मुझे लोग इस बात पे परेशान हो रहे थे कि लोकल पे वोकल हो जाओ, मैंने कहा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, वोकल ही तो होना है, करना थोड़ी है कुछ, वोकल हो जाओ, वोकल की सरकार है और ये सरकार वोकल ही रहती है, लोकल पे वोकल, वोकल पे लोकल, लोकल पे वोकल, ये करते रहो बस। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। उस भाषण से जिन लोगों ने सुना है, ये सुनने में ये भी आया कि उन्होंने लोगों को बोला कि प्राउड फील करो और जो है ये सोचो कि हम कितने महान हैं फलाना ढिमका, लेकिन जो तस्वीरें आप ही माइग्रेंट वर्कर्स की जो 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 उनकी ट्रेजेडी की आपको देखने को मिल रही हैं, इसके ऊपर कौन जो प्राउड फील करेगा। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखिए ये तस्वीरें। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए, ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू बड़े बड़े लोग धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। और गरीब के दिल में अपने संतानों को विरासत में गरीबी देने की इच्छा नहीं है, वो भी चाहता है कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊं ताकि मेरे संतानों को विरासत में गरीबी न मिले, वो अपने पैरों पर खड़े हो, मेहनत करे, मजदूरी करे, काम करे, नया काम सीखे, लेकिन सम्मान के साथ जिंदगी जीने वाला मैं उनको बनाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी अगर प्राउड फील कर रहा है तो भाई वो कोई किसी भगवान का ही अवतार है, क्योंकि इतनी सफरिंग के बाद अगर उसको उसमें प्राइड दिखाई दे रही है तो यार हमें भी बता दे कि इसमें कहां से देख रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे को सूटकेस में लिटा के खींच रही है, किसी ने अपनी प्रेग्नेंट औरत की गाड़ी बना के उसको गाड़ी पे 8-8 किलोमीटर लेके जा रहे हैं। ये तो गरीबों की सरकार थी, इन्होंने कहा था
कि हम तो गरीबों की सरकार हैं, गरीबों के लिए सब कुछ करेंगे, गरीबों के लिए ये कर रहे हैं और इस पे करेंगे प्राउड फील करें। इन्होंने करा क्या, आप ये देखेंगे जितने पैसे इन्होंने स्टैचूज बनाने में लगाए और अब ये सेंट्रल विस्ता को बनाने में लगा रहे हैं, इन सारे पैसे से ये बोल रहे थे कि हिंदुस्तान की शान बढ़ेगी, स्टैचू से शान बढ़ेगी, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को इतनी सफरिंग हो रही है, इनको अब जाके बोल रहे हैं ट्रेन में जाओ और इनसे जिनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है इनसे बोल रहे हैं कि एसी का किराया दो, हैं ये इसका हम प्राइड फील करें। कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली है, एक आदमी बैठ के पत्ते खा रहा है, जब उसको खाना मिला तो रोने लग गया, कोई बच्चा नमक से रोटी खा रहा था उसको असली में खाना मिला तो रोने लग गया, ये किसकी तस्वीरें, ये सोमालिया सूडान में होता है, हिंदुस्तान में कब से होने लग गया यार, इस पर प्राउड फील करें हम। फिर एक भाषा जी एक जुमला, लोकल पे वोकल हो जाओ, क्या मतलब है इसका लोकल पे वोकल हो जाए यार, लोकल करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जिसका इंटरेस्ट काम करने में हो, फसाद करने में नहीं। आप ये देखो, आप तो ये बोल रहे थे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज हैं उनको, जिनके साथ अत्याचार वहां पे हो रहा है, उनको इंडिया में लाके इंसाफ देके सिक्योरिटी देंगे। आप जो अपने आके बंदों की हालत तो देख लो आपने क्या कर रखी है, आप ये भूल जाओ पाकिस्तान अफगानिस्तान के सपने यार, लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। बेवकूफ बना गया मुझे, अबे कुत्ते कमीने, मेरे 1,000 रुपए लेकर भी भाग गया, अबे अगर हाथ में आ गया तो सिन्ना नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। वैसे ही बिल्कुल रिडंडेंट बात है कि लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो, क्योंकि वो आप छोड़ोगे नहीं, वो आपकी आदत है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ बेवकूफ बनना बंद कर दो यार। आई एम लाइक एनी अदर 26, 27, 28 ईयर ओल्ड, आई थिंक वी ऑल इवॉल्व इन लाइफ एंड दैट्स द वे वी ऑल शुड ग्रो अप एंड That's the reason why I'm not even deleting some tweets, which a few people are trying to put it out of context and trying to make a scene out of it, because it only reflects that I'm a thinking guy. I deliberated, I debated, I thought about it. बीजेपी के एक यंग लीडर है तेजस्वी सूर्या करके, उनका नाम बड़ा सोच समझ के रखा गया, तेजस्वी बहुत तेज है, उनके अंदर कुछ साल पुराना उनका ट्वीट बाहर आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि 95% अरब औरतों को कभी ऑर्गेजम हुआ ही नहीं। मेरा सवाल तेजस्वी से ये है कि भाई आपको पता कैसे चला कि सारी अरब औरतें आपको टेलीफोन करके बता दी कि भाई आज भी नहीं, और आपने रजिस्टर में आप नोट बना के रखे हुए थे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, 95% ये आंकड़ा आपके पास आया कहां से कि उनको ऑर्गेजम कभी भी नहीं हुआ है? और फिर आप बोलते हो कि इसलिए उनके बच्चे सेक्स से होते हैं, प्यार से नहीं होते। यार बच्चे तो सभी के सेक्स से होते हैं यार, हमने तो यही पढ़ा है, और बायोलॉजी में सारी दुनिया ने यही पढ़ा है कि सेक्स से ही बच्चे पैदा होते हैं, या सिर्फ बॉलीवुड में ही होता है कि फूल मिलते हैं और बच्चे पैदा हो जाते हैं। क्या आपने वो बॉलीवुड फिल्में बहुत ज़्यादा देखी हुई? नहीं, वैसा नहीं होता, तेजस्वी सच में सेक्स करना पड़ता है तब बच्चे होते हैं। लेकिन तेजस्वी के ट्वीट के बाद बीजेपी को भी पता चल गया कि अब असल में हिंदू खतरे में है गल्फ में, तो उन्होंने ट्विटर से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ यार ये ट्वीट डिलीट कर दो, क्योंकि फाइनली हिंदू खतरे में है, बट इंडिया में नहीं, गल्फ में। आपने तो इतना बड़ा पतंजलि खड़ा करा, अभी रुचि सोया को भी आपने एक्वायर करा, मैं आपसे जरा, हमारा ब्रांड क्यों नहीं खड़ा हो पाता? हर ब्रांड में हमारे लोग सीईओ, हर ब्रांड के अंदर गूगल का सीईओ हमारा भारतीय, लेकिन हमारा अपना गूगल क्यों नहीं खड़ा हो पाता? दोस्तों इस हफ्ते की क्रिंज कॉमेडी में क्रिंज कॉमेडियन ऑफ इंडिया अमीश देवगन ने बाबा रामदेव से पूछा कि जो है इंडिया का जो ब्रांड है वो वर्ल्ड में क्यों नहीं हो रहा है। बाबा रामदेव से पूछा जा रहा है, मतलब कितने एक्यूरेट बंदे को पकड़ा है आपने ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक क्वेश्चन पूछने के लिए कि इंडिया का ब्रांड क्यों नहीं हो रहा है। बीच में ये भी बोलते हैं कि जब गूगल माइक्रोसॉफ्ट और इन सब कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं तो फिर इंडिया का नाम क्यों नहीं बढ़ रहा है। भाई मेरे अमीश भाई, एक बात सुनो यार, आप को पत्रकार किसने बना दिया? आपको पता होना चाहिए कि जो सुंदर पिचाई जो गूगल के हैं और जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, भैया ये इंडियन सिटीजन नहीं है। आप इनको इंडियन बोलना बंद कर दें। सवाल ये उठाना चाहिए आपको कि क्या वजह थी कि इंडिया का जो माइंड है यहाँ पे एक्सेल करने के बजाय, यहाँ पे गूगल बनाने के बजाय, गूगल जैसा कुछ बनाने के बजाय वहाँ जाके गूगल में सीईओ बन रहा है या उसका लीडर बन रहा है जाके वहाँ पे, ऐसा क्या है? इस सवाल का जवाब आपको बाबा रामदेव से पूछना पड़ेगा। बाबा रामदेव के पास नहीं होगा इस सवाल का जवाब, आपको किसी और से फिर पूछना पड़ेगा। हमें तो पाकिस्तान से, यूए से, अमेरिका से धमकी भी आती है बाबा। मैं व्यक्ति हूं इसलिए हम तो डटे हैं देश के लिए, मर मिटना भी पड़े तो तैयार है, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके खिलाफ जो है ट्रेंडिंग तक होती है, और आप भी इतना चौड़ा होकर यहाँ पे खुश होकर बता रहे हैं कि हमें तो यहाँ से धमकी आती है, वहाँ से धमकी आती है, धमकियाँ तो हमें भी रोज आती हैं यार, मतलब इसकी पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत है हमको यहाँ से? हम तो देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं। तो भैया वो टूर ऑफ ड्यूटी इंडियन आर्मी ने शुरू किया है कि सिविलियंस के लिए ज्वाइन कर लो जाके, जरा दिखाओ, क्योंकि पत्रकार तो आप हो नहीं, वो आपके बस की भी नहीं है, तो टूर ऑफ ड्यूटी कर लो आप, जो ये छाती चौड़ी करके यहाँ पे बैठे हो, आपको मौका मिल जाएगा सच में आके बोलने का, देश के लिए आप गोली खाने के लिए तैयार हो। सेक्स इन द बॉडी इज फाइन, money in the pocket is fine,
they only become a problem if they enter your mind. और हमारे प्यारे सदगुरु जी ने एक और फिर से मतलब छक्का मार दिया और उन्होंने बोला है कि जो सेक्स इन द बॉडी इज फाइन, इट ओनली बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन इट गेट्स इनटू योर माइंड. सदगुरु जी तो कैसे करें फिर से, मतलब मेरे ख्याल से तो यही होता है कि माइंड में सेक्स होता है तो ही बॉडी में सेक्स आता है, अदरवाइज तो हो नहीं सकता. मैं कि भाई आप दिमाग में सोच रहे हो कि मॉनिटर लिजर्ड मगरमच्छ के अंडे खा रही हो और फिर आप सेक्स कर रहे हो. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. और जाते जाते दोस्तों आपको नॉर्थ इंडिया की एक सिग्नेचर घटना बताता चलता हूँ. मणिपुर की एक महिला के साथ गुड़गांव में, जो कि अब गुरुग्राम हो चुका है, बदसलूकी हुई, उनको कोरोना कोरोना कह के मारा पीटा गया. ठीक है, जब तक पुलिस नहीं आ गई बीच में, बीच बचाव करके उनको लेकर नहीं चली गई. तो हरियाणा प्रोबेबली वॉज द फर्स्ट स्टेट इन दिस कंट्री जिसने लोकल के लिए वोकल होने को बड़ा सीरियसली ले लिया. तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज. मेरा नाम है संजय राजौरा. धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए. अगला एपिसोड लेके बहुत जल्दी आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा, क्योंकि ये गारंटी देता हूं मैं आपको, आपको खुद ही पता है मौजों की कोई कमी होने वाली नहीं है. रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज. रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलिया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल. अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज. अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज. अरे मन की बात करे हर संडे बिना किसी के रोक, कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज. अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज. अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज.